नमस्कार दोस्तों, ए जे पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू नवरात्रि ट्रेंडिंग दुर्गा माता का स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में भी यानी आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरह से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपना फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने 11 पोस्ट रहेंगे वो ऐड कर लेने हैं। तो उसी तरह से यहाँ से मैं अपने 11 पोस्ट रहेंगे वो ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने जो 11 पोस्ट रहेंगे कुछ इसी तरह से यहाँ से ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से तीर वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सब पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम अपना म्यूजिक रहेगा उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना म्यूजिक पे यस पे क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ से अपना बीट वगैरह आपको कुछ ऐड नहीं करना और डायरेक्ट आपको यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, एक जो कि यहाँ से अपना लिरिक्स ये एक लिरिक्स स्टेटस रहेगा उसे आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा और कुछ ही देर में हमारा जो यहाँ पर लिरिक्स रहेगा उधर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने लिरिक्स का ऑप्शन रहेगा ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों आपके ऊपर कुछ इसी तरह से आ जाएगा। तो ऊपर आपको ओरिजिनल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से 9:16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एंडिंग तक जाना है और इसे ब्लैक स्क्रीन को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, इसे पहले आपको जूम कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमने 2 सेकंड पे, तो यहाँ से आपको 6 सेकंड पे इसे कर देना है, जो कि यहाँ से 6 सेकंड पे आपको सब 2 सेकंड छोड़कर आपको रख देना है। तो उसी तरह से 2 सेकंड इधर 6 से आपको यहाँ पर 8 सेकंड पर रख देना है। तो उसी तरह से यहाँ से हम 8 सेकंड पर कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से फिर 8 और यहाँ पर आपको 10 सेकंड। तो उसी तरह से आपको 2-2 सेकंड छोड़कर अपने सभी बीट है वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से आप ऐड आपको पूरे वीडियो में उसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको यहाँ पर 2-2 सेकंड छोड़कर आपको सब ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पहले वाले पोस्ट पर आ जाना है और यहाँ से पहले वाले पोस्ट पर आने के बाद यहाँ से क्या करना है, एंडिंग वाला जूम वाला ऑप्शन पर चला जाना है। जूम वाले ऑप्शन पर जाओगे तो इधर आपको मूव राइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इधर यस पर क्लिक कर देना है। और उसी तरह से इधर आपको पावर जूम वाला ऑप्शन पर करना है, तो यहाँ से आपको लेफ्ट कर देना है। उसी तरह से आपको एक में राइट और एक में लेफ्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर राइट कर दिया और यहाँ पर वापस आपको लेफ्ट कर देना है। उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर आपको ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, उधर यस से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों बना वीडियो रहेगा वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।